नमस्ते दोस्तों। कड़कड़ाती ठंड के अंदर सबसे पहले अगर किसी सब्जी का नाम अगर हमारी जबान पर आता है तो वो होता है सरसों का साग। सरसों का साग और मकई की रोटी, उस पर डला हुआ थोड़ा सा मक्खन और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी, मज़ा आ जाएगा। आप भी बनाइएगा ज़रूर मेरी इस रेसिपी के साथ। हम भरते हैं आज अपनी रसोई में सरसों का साग बनाने के लिए कुछ मेरे अंदाज में। सरसों लेंगे, उसे अच्छी तरह से रनिंग वाटर में धो लीजिएगा। हरी पत्तियों को लाने के बाद धोना बहुत ज़रूरी है, और भतुआ अगर आपको मिल जाए तो उसे भी अच्छी तरह से धो लीजिएगा। भतुए को धोने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी होती है। और इन सब्जियों को हम थोड़े डंठल के समेत ही काटेंगे, डंठल्स को फेंकिएगा मत, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। जब आपकी सब्जियां अच्छी तरह से कट कर रेडी हो जाएं, तब हम भरते हैं अपनी कढ़ाई की तरह। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्जी का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा सा घी, थोड़ा जीरा और थोड़ा सा हींग के साथ में हमने डाला है 1.5 कप के जितना पानी। पानी को हल्का सा गर्म करेंगे और फिर उसमें हम डालेंगे अपना बारीक कटा हुआ सरसों, पालक और भतुआ। रेशो की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने एक बड़ा बंडल लिया है सरसों के साग का, तो आधा बंडल लीजिएगा पालक का और उससे भी आधा क्वांटिटी लीजिएगा भतुए का। भतुआ सिर्फ पत्तियों वाला काटिएगा, उसके डंठल नहीं काटिएगा। उसके साथ में मैंने डाले हैं थोड़े से अदरक, लहसुन और मिर्ची के टुकड़े, और जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा शलगम, इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ना मिले तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और हाँ अगर आप जैनी हैं तो आप लहसुन और प्याज को भी स्किप कर सकते हैं। प्याज अभी हमने नहीं डाला है दोस्तों, प्याज को हम बाद में सीखेंगे। नमक के साथ इसी सब्जी को सीजन कीजिए और ढक कर थोड़ी देर के लिए सिकने दीजिए। इसे सिकने में कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं दोस्तों, और अगर आप जल्दी में हो तो इसे कुकर में 2 विसल भी लगा सकते हैं। सब्जी जब अच्छी तरह से पक जाए, नरम पड़ जाए, तब आप इसे अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लीजिएगा, और साथ ही में डालिएगा 2 चम्मच के बराबर मकई का आटा। मकई का आटा इस सब्जी में वॉल्यूम भी देता है, टेक्सचर भी लेकर आता है, और साथ ही में इस सब्जी को एक अलग सा टेस्ट भी देता है। सब्जी ऑलमोस्ट लग रहा है रेडी होने वाली है, तब तक हम भरते हैं आटा लगाने के लिए। मकई का आटा, नमक और सादा पानी, बस यही हमें चाहिए मकई का आटा गूंथने के लिए। आटे को थोड़ा सा नरम गूंथिएगा दोस्तों, और हाँ इसे गूंथते वक्त थोड़ा सा हाथों की मदद से आप इसे मसल लीजिएगा। जब आटा आपका अच्छी तरह से लग जाए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसे ढक कर रख दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए। जितनी देर आटा हमारा रेस्ट करता है, हम भरते हैं कढ़ाई की तरफ। इसमें लिया है मैंने 1 चम्मच के बराबर तेल, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा और थोड़ा सा हींग और बारीक कटी मिर्च और सूखी लाल मिर्च। साथ ही में मैंने डाला है 1 बड़ा मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। इसे हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन सोते कर लेंगे, और इसी के साथ में मैंने डाला है टमाटर। कुछ लोग यहाँ टमाटर नहीं डालते हैं, ऑब्वियस रीजंस हैं, हरी सब्जी है, लाल रंग क्यों डालना है, लेकिन मैं इस टमाटर को इतना ज़्यादा सेक दूंगी कि उसका रंग बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा नमक डालकर हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, तब तक कि जब तक ये आपका पूरी तरह से ब्राउन कलर का ना हो जाए। आप चाहें तो इसे कम भी सेक सकते हैं। बहुत थोड़ा सा हल्दी
लाल मिर्च पाउडर और धनिया का पाउडर, सिर्फ उतना ही दोस्तों जितना आपके प्याज और टमाटर के लिए ज़रूरत है। साग के लिए हम ये मसाले नहीं डाल रहे हैं, हम इस बघार के लिए ये मसाले डाल रहे हैं। मसाले जले ना, इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। और जब ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसे मिला देंगे अपने साग के अंदर। साग ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा बटर या घी इसकी जान होता है, लेकिन अगर आप फैट कॉन्शियस हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। गार्निश कीजिए इसे बारीक कटे हुए अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से बटर के साथ। यूं तो इसे कैसे भी खा सकते हैं, गेहूं की रोटी के साथ भी, लेकिन आज हम बनाते हैं इसके रियल कॉम्बिनेशन, मकई का आटा। मकई के आटे को अच्छी तरह से वापस से रेडी किया और एक गोली तैयार की। यहाँ पर मैंने लिया है प्लास्टिक शीट और उस पर मैंने डस्टिंग किया है थोड़ा सा मकई का आटा। दूसरी प्लास्टिक शीट से हम इसे वापस से कवर करेंगे और आसानी से बेल सकते हैं। इस टेक्निक से आपको फ़ायदा यह होगा दोस्तों कि आप इसे जितना पतला चाहें उतना बहुत आसानी से बेल सकते हैं, क्योंकि मकई का आटा थोड़ा सा फसफसाता है, इसके लिए ये तकनीक आपको बड़े काम आएगी। गरम तवे पे इसे अच्छी तरह से डालिए और थोड़ा सा घी, और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से दबा दबा कर सेक लीजिएगा। आपके पास अगर मिट्टी के तवे की सुविधा हो तो आप इसे मिट्टी के तवे पर सेक के देखिएगा, इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। जितना घी आपको पसंद हो उतना घी लगाइए और लीजिए, आपकी मकई की रोटी बिल्कुल तैयार है। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।